आज आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है और अगर मैं इससे पहले कि इसके विस्तार में जाऊं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके बारे में अपनी बात रखें, इस मैनिफेस्टो के विजन के बारे में और दिल्ली की गवर्नेंस को लेके, दिल्ली के अगले 5 साल की गवर्नेंस को लेके माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन के बारे में अपनी बात रखें, उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के हर आम आदमी को उसका जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जीने में मदद करने के लिए, उसके परिवार में खुशहाली के लिए सरकार चलाने का संकल्प रखती है, सरकार चलाने का विजन रखती है और ये 5 साल में करके भी दिखाया है कि दिल्ली के हर आम आदमी को अपना जीवन गरिमापूर्ण जीने में और अपने परिवार को खुशहाल बनाने में गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से कैसे मदद की जा सकती है, उसका एक मॉडल दिल्ली में निकल के आया है। इसके साथ साथ अपनी दिल्ली को एक आधुनिक शहर, एक प्रगतिशील राजधानी बनाने का जो विजन है वो पिछले 5 साल के काम में निकल के आया है और आज जो मैनिफेस्टो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जारी हुआ है उसमें भी इसका आपको एक खाका देखने को मिलेगा। इस मैनिफेस्टो के ऊपर हमने इसका एक तरह से प्रीएम्बल कह सकते हैं आप उसको, इसकी प्रस्तावना कह सकते हैं, वो लिखी है क्योंकि मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए जा रहे हैं, जो भी सपने देखे जा रहे हैं, अगले 5 साल की गवर्नेंस की जो भी एक्टिविटीज रहेंगी, जो भी काम रहेंगे, उनके पीछे का विजन क्या है, उनके पीछे का बड़ा सपना क्या है, उसको लेके कुछ पंक्तियां इस मैनिफेस्टो के मुख्य पृष्ठ पर लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब हर भारत के बंदे का अच्छा इलाज हो पाएगा, जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएगा, जब सस्ती बिजली पानी हर घर को मिल पाएगा, जब धर्म जाति से ऊपर उठकर हर जन भारत को आगे बढ़ाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। ये इसका विजन है इसके पीछे का। इसके दो हिस्से हैं, अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करूं ये जो प्रस्तावना मैंने रखी आपके सामने, ये एक तरह से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मूलभूत आधार बना के लिखा गया है, उसी को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई है। ये मैनिफेस्टो एक सपना है जैसा मैंने कहा। इस मैनिफेस्टो को इस मैनिफेस्टो में लिखे सपनों की दिल्ली बनाने को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो रोडमैप, इसके रोडमैप को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जारी किया गया एक गारंटी कार्ड जिसमें केजरीवाल की 10 गारंटी, आज दिल्ली उन सब के बारे में बात कर रही है, वो भी इस मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और दूसरा, कुछ विस्तृत कामों की सूची है जो आम आदमी पार्टी की सरकार अगले 5 साल में करेगी। 10 गारंटियां आप सब जानते हैं, पर आपके रेफरेंस के लिए फिर से मैं एक बार यहां दोहरा देता हूं। केजरीवाल जी की अगली सरकार गारंटी लेगी कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, इसकी गारंटी सरकार लेगी दिल्ली के हर बच्चे को, दिल्ली के हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की गारंटी, उसके इलाज की गारंटी अगली सरकार लेगी, हर व्यक्ति के लिए पीने के शुद्ध पानी की गारंटी ताकि नल से वो 24 घंटे शुद्ध पानी उसको मिल सके, उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी, 24 घंटे घरों में बिजली आ सके और 200 यूनिट तक के बिजली के बिल लोगों के जीरो रहें, और साथ साथ पूरी दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो तारों का जंजाल बिछा हुआ है, दिल्ली को तारों के जंजाल से मुक्त कराने की गारंटी अगली सरकार लेगी।
पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान स्तर से 1/3 लाने की गारंटी दिल्ली सरकार ने की पॉल्यूशन में, 25% पहले ही कम किया जा चुका है। साफ सुथरी दिल्ली और साफ सुथरी यमुना की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के पूरे नेटवर्क को और मजबूत करना, स्ट्रीट लाइट गली गली में लगवाना ताकि कोई कोना अंधेरा ना रहे, और मोहल्ला मार्शल लगाना, इसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। कच्ची कॉलोनियों में सुविधाओं की गारंटी, पक्की कॉलोनियों जैसी सुविधाओं की गारंटी सरकार लेगी, और जहां झुग्गी वहां मकान, इसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। ये गारंटी जिन्हें आज पूरी दिल्ली में बच्चा बच्चा बात कर रहा है, ये केजरीवाल की 10 गारंटी हैं, ये केजरीवाल जी की 10 गारंटी हैं। ये गारंटी अपने आप में एक बड़ी पहल है जो कोई राजनीतिक पार्टी पहली बार कह रही है कि हम गारंटी ले रहे हैं अगले 5 साल में ये करेंगे, जुमले नहीं करेंगे। इसके अलावा आज इस मैनिफेस्टो में, जैसा मैंने कहा, इसके रोडमैप के 2 हिस्से हैं। ये जो 10 गारंटियां हैं, ये आम आदमी के जीवन को गरिमापूर्ण जीने में और उसके परिवार को खुशहाल बनाने के लिए मूलभूत आधार के रूप में हैं। लेकिन शहर को, पूरी गवर्नेंस को एक सपनों की दिल्ली बनाने के लिए एक मैनिफेस्टो अगले 5 साल का जो जारी किया है, उसका दूसरा हिस्सा, उसमें 28 ऐसी और पहल हैं जिन पर दिल्ली सरकार अगले 5 साल काम करेगी। इन 28 पहल को मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रख देता हूं, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी उस पर अपनी बात रखें। पहला, दिल्ली जनलोकपाल बिल। ये 2015 में दिल्ली विधानसभा से पारित किया गया था और 4 साल से केंद्र सरकार के पास लंबित है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जनलोकपाल बिल पास कराने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। दूसरा, दिल्ली स्वराज बिल। दिल्ली सरकार ने जून 2016 में शहर भर में 70 विधानसभा में करीब 2900 मोहल्ला सभाओं के गठन को मंजूरी दी थी। ये दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए हम केंद्र के साथ मिलकर एक मजबूत प्रयास करेंगे और मोहल्ला सभाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देंगे, ताकि जो गवर्नेंस है, वो लोगों के छोटे छोटे काम है, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से हो सकें। तीसरा, गरीब आदमी के लिए। आज मैं जाता हूँ, मैं आजकल चुनाव में भी जाता हूँ, गली गली में देखता हूँ, लोग राशन की दुकानों में लगे रहते हैं। कई बार राशन दुकानदार ठीक से बांट रहा है, कई बार नहीं ठीक से बांट रहा है। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, जैसे सर्विसेज की डोर स्टेप डिलीवरी की है, वैसे ही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी सरकार शुरू करेगी। 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अगले 5 साल में हमने टारगेट रखा है कि दिल्ली के 10 लाख बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि पारिवारिक व्यस्तताओं में, आर्थिक मजबूरियों में, व्यापार नौकरियों की मजबूरियों में परिवार के बच्चे भी वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, और उनकी मजबूरी भी होती है। हम सब उन मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी एक बड़ा परिवार के रूप में सरकार चलाएगी, तो फिर वो सरकार में बड़े भाई के रूप में ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। पांचवा है देशभक्ति पाठ्यक्रम। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया, उसकी वजह से आज बच्चे पढ़ाई पे फोकस करने लगे हैं और परिवार में एक सम्मान बढ़ा है, परिवार में रिश्तों में एक गरिमा आई है, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ा है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम शुरू किया, उसकी वजह से आज हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, आपने भी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो देखा होगा, बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात रखने लगे हैं और एक सफल प्रोफेशनल की तरह से अभी 12वीं क्लास तक आते आते वो करने लगे हैं। इसी तरह से देशभक्ति पाठ्यक्रम अब शुरू किया जाएगा, और उसका मकसद होगा कि हर व्यक्ति अपने देश से, देश के तिरंगे से, देश के शहीदों से, उनके साथ सम्मान करे, उनसे प्रेम करे, देश के सेना से, लेकिन साथ साथ देश के लोगों से, देश के सिस्टम से, देश के लोगों के इंसानियत से प्रेम करे, जो भारत का जो मूल तत्व है उससे प्रेम करे, हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हो। छठा है, क्योंकि आज की तारीख में
स्कूलों में सबसे ज्यादा जोर रहता है अंग्रेजी भाषा पर। हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी मातृभाषा को भी समझे, अपनी मातृभाषा को भी पढ़े, उसमें उसका कॉन्फिडेंस हो, लेकिन साथ साथ एक अच्छा सफल प्रोफेशनल बनने के लिए उसको अच्छी अंग्रेजी बोलना भी ज़रूरी है। तो हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, और ख़ास तौर से जो स्कूल से निकल गए हैं बच्चे, क्योंकि स्कूलों में तो हमने शुरू कराई हैं इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस, लेकिन जो स्कूल से आगे निकल गए हैं, जो अभी कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई ITI कर रहे हैं, किसी तरह का स्किल कोर्स कर रहे हैं, उनकी आय बढ़ सके, उनके रोजगार के अवसर बढ़िया हो सके, तो ऐसे बच्चों को अंग्रेजी की, सॉफ्ट स्किल की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अलग से क्लासेस लगाएंगे उनके अंदर, जो ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो बच्चे कम से कम स्कूलिंग कर चुके हैं पूरी अपनी, उन बच्चों के लिए अलग से इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस लगाएंगे। मेट्रो नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में बनाने के लिए दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क को 500 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और बुराड़ी, किराड़ी, ब्रिजवासन, नरेला, करावल नगर, मंगोलपुरी जैसे कई अन्य क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जाएगा। यमुना में, यमुना को खूबसूरत बनाने की बात तो गारंटी में है ही है, साथ साथ यमुना रिवर साइड का विकास किया जाएगा, केंद्र के साथ मिलकर एक सुंदर रिवर साइड का विकास किया जाएगा। अगला है दिल्ली की सड़कों को आधुनिक डिजाइन से तैयार किया जाएगा, उसे सजाया जाएगा, सुंदर, सपाट, सुरक्षित सड़कें, जैसा कि हम बहुत सारे वर्ल्ड क्लास सिटीज में देखते हैं, और इसकी शुरुआत एक साल के अंदर अंदर 40 किलोमीटर लंबी सड़कों के पायलट प्रोजेक्ट के साथ की जाएगी, इसका खाका बनाया गया है। दिल्ली में भी सड़कों को साफ रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी रहती है। दिल्ली में अगर देखें तो 2011 की जनसंख्या के आधार को मानते हुए कई आवासीय कॉलोनियों में सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ कोई सफाई कर्मचारी, क्योंकि सफाई कर्मचारी बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सुबह ट्रैफिक में और उन सब के बीच में काम करते हैं, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, तो शहर को साफ रखने में जो सफाई कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके योगदान को सलाम करते हुए, अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु अपनी ड्यूटी करते वक्त हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। व्यापारियों के लिए पिछले 5 साल में एक ऐसी सरकार चली जिसने रेड राज को समाप्त किया। रेड राज पर यह अंकुश अगले 5 साल भी व्यापारियों के लिए जारी रहेगा, उन्हें किसी तरह से कोई एक्सटॉर्शन, कोई किसी तरह से उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि व्यापारी व्यापार करना जानता है, सरकार व्यापार करना नहीं जानती है। बहुत बार ये होता है कि सरकार व्यापारियों को दुखी करती है तो पूरी इकोनॉमी चरमराती है। पिछले 5 साल में सरकार के रेवेन्यू भी बढ़े, दिल्ली की GSDP भी बढ़ी, वो SGDP बढ़ी, इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने व्यापारियों के साथ एक फैमिली संबंध बना के रखा और किसी को रेड राज से दुखी नहीं किया, किसी रेड राज से पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा। दिल्ली के व्यापारियों की एक और बड़ी समस्या है सीलिंग। तो सभी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाते हुए हम केंद्र सरकार, DDA और MCD पर दबाव डालेंगे कि वो उद्योगों और दुकानों को सील ना होने दें और सुनिश्चित करें कि जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें फिर से खोला जाए। इसके साथ साथ दिल्ली के बाजारों और इंडस्ट्रियल एरियाज में विकास के लिए जितने भी पैसे की जरूरत होगी पर्याप्त धन इसके लिए उपलब्ध कराएंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। सर्किल रेट का रेशनलाइजेशन, जो एक्चुअल रियल कॉस्ट्स हैं मार्केट में, उसको कंसीडर करके उसको रेशनलाइज किया जाएगा ताकि संपत्ति मालिकों के जो इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर रहें। पुराने वैट मामले हैं व्यापारियों के, अभी तो GST जिम में आ गए हैं, लेकिन वैट के बहुत सारे मामले चल रहे हैं और उनमें उनकी हियरिंग होती रहती है, उनकी पैसे कई बार उनकी वजह से उनका पैसा फंसा हुआ है, कई बार सरकार का रेवेन्यू फंसा होता है। तो पुराने वैट मामलों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम सरकार लेके आएगी और 2017 या उससे पहले से लंबित मामलों को छूट देकर उनका निस्तारण करेंगे। दिल्ली में इसको आधुनिक बनाने के लिए और इसके ट्रेड कल्चर को और मॉडर्नाइज बनाने के लिए, इसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए
पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 घंटे के बाजार खोले जाएंगे, जहां दुकानें रेस्तरां आदि 24 घंटे खुले रह सकते हैं, जिससे दिल्ली को 24 घंटे की मेहमान नवाजी वाला शहर बनाया जा सके और इससे पर्यटन में और अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिले। इसके साथ साथ दिल्ली की एक बड़ी आबादी है जो घरों पर रहती है, महिलाएं। बहुत सारी महिलाएं एजुकेटेड हैं, बहुत सारी महिलाएं स्किल्ड हैं, उनके पास किसी ना किसी तरह का कोई क्षमता है जो वो काम कर सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्षमता, सबसे बड़ा योगदान वो अपने परिवार को चलाने में दे रही हैं, बच्चों को पढ़ाने में दे रही हैं, पर फिर भी अपने और प्रोफेशनल स्किल का इस्तेमाल वो करके अपने परिवार की आमदनी भी बढ़ा सकती हैं और दिल्ली की इकोनॉमी में भी योगदान कर सकती हैं। तो उनके लिए घर पे रह के या उनके घर के आसपास कुछ वर्क अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएंगी, ताकि घर पर बैठी महिलाएं जिनके पास कुछ समय है और जिनके पास कुछ इच्छा है करने के लिए, ताकि अपने परिवार के लिए भी कुछ कमा सकें और समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ इकोनॉमी में योगदान दे सकें, उनके लिए ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी और साथ साथ उनको उस ट्रेनिंग को, उस स्किल को यूज़ करने के लिए और अवसर दिए जाएंगे, उनको अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, पुनर्वास कॉलोनियाँ, उनके मालिकाना अधिकार को लेके कई जगह लड़ाई चल रही है, उनकी कई जगह संघर्ष कर रही हैं वो कॉलोनियाँ। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों के लिए फ्री होल्ड की स्थिति के साथ पूर्ण मालिकाना अधिकार उनका सुनिश्चित करवाएंगे। अनऑथराइज कॉलोनियों का डेवलपमेंट दिल्ली सरकार ने गारंटी दी है, केजरीवाल जी की गारंटी में है, लेकिन साथ साथ अभी सबसे बड़ी समस्या जो बीच में रह गई है, उन कॉलोनियों के भूमि उपयोग को नियमित करना, उनके लैंड यूज को चेंज करना, वो रह गई है जिससे केंद्र सरकार पलट गई थी। दिल्ली की सभी अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र पर दबाव बनाएगी और अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनके घर की उचित रजिस्ट्रियां मिल सकें, जिसमें ये ना लिखा हो कि इन घरों को तोड़ दिया जाएगा जब चाहे, कोई भी विभाग आके तोड़ दिया जाएगा, फर्जी रजिस्ट्रियां नहीं, प्रॉपर रजिस्ट्रियां उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, करवाएंगी। एक समस्या दिल्ली में ओबीसी वर्ग से बार बार सामने आती रही है, 1993 से पहले के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता है ओबीसी के लिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे व्यक्ति को ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, इसके लिए हम केंद्र सरकार से काम करवाएंगे। एक और मांग दिल्ली में एक बहुत बड़े समुदाय की है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अनदेखी करती रही थी, हमने उसको अपने उसमें लिया था पिछले साल भी, भोजपुरी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि भोजपुरी अब हम ये नहीं मानते कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की भाषा है, पूर्वांचल की भाषा है, बिहार भोजपुरी अब दिल्ली की भी भाषा है, तो इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे, ताकि इसको जल्द से जल्द इसको किया जा सके। 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के जो पीड़ित थे, उनके लिए हम सुनिश्चित करेंगे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस ढींगरा और जस्टिस ढींगरा के अधीन गठित SIT के निष्कर्षों पर तत्काल कार्रवाई हो और 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ितों को न्याय मिल सके। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सभी संविदा सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा सके। किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करेंगे, ताकि अधिनियम की धारा 33 और 81 में संशोधन हो और किसान अपनी भूमि का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सके। ये बहुत बड़ी बाधा है दिल्ली के किसानों के लिए। फसल नुकसान पर किसानों का मुआवजा जारी रहेगा, जो 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से केजरीवाल सरकार ने देना शुरू किया था। रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा और 6 महीने के भीतर वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और MCD और दिल्ली पुलिस के हाथों जो उनका उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। और लास्ट में 28वां है, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक अधिकारों का उपयोग करते हुए संवैधानिक ढांचे के भीतर दिल्ली को पूर्ण राज्य देने दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जोर देती रहेगी, उस पर काम करती रहेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली राज्य विधेयक 2016 का जो ड्राफ्ट था उसमें पूर्ण राज्य को परिभाषित किया है। इसके तहत नई दिल्ली नगर पालिका NDMC के अधिकार क्षेत्र के तहत जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है
उसके अलावा उसको केंद्र सरकार के दायरे में रखा जाए और बाकी सबको पूर्ण राज्य में तब्दील किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ के रहने वालों को, सबको सीलिंग, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से निजात मिल सके, नए स्कूल कॉलेज खोले जा सके, क्लिनिक अस्पताल आदि के निर्माण के लिए भूमि प्रावधान करने को प्रायोरिटी दी जा सके और एक बहुत सारी समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान निकल सके। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि ये एक विजन है जो 5 साल के लिए दिल्ली वाले के हर सपने को, हर दिल्ली वाले के लिए एक सपना है और इस सपने पर हम दिल्ली के लोगों से अपील करेंगे कि वो इस सपने पर वोट करें, इस सपने को सच होने की उम्मीदों पर वोट करें।